लंदन की हर गली में, हर गली में मेरे मित्रों लंदन के प्रियंका वाड्रा जी का कोठी है, घर है। आप सोचिए, वो तो जानते ही हैं मिलियन ट्रिलियन में कितने कितने पैसे हैं और कितने जीरो होते हैं। भाई ने एक बात बोली कि प्रियंका जी के लंदन की हर गली में मकान। कितनी गलियां हैं प्रभु, कितनी गलियां हैं लंदन में, कौन कौन सी गली में बताओ देश को आज। और यहाँ माफी मांगो यहाँ एबीपी न्यूज पे, कौन सा मकान है उसकी डिटेल दो। यहाँ आके लोगों को गुमराह मत करो, हर गली में मकान है, वाड्रा को ये पता है। देखिए, आरोप लगा के भागने से कुछ नहीं होगा। जो रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच चल रही है, ईडी जो जांच कर रहा है 12 घरों को लेके कर रहा है, और ये सब पब्लिक डोमेन में। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उन घरों में अपने अपने संवाददाताओं को भेजकर, रिपोर्टरों को भेजकर, जिस प्रकार से ब्रायंटन स्क्वायर वाला घर, एलेंटन स्क्वायर वाला घर, ये सारे स्क्वायर्स वाले घर दिखाए हैं, वो आपके चैनल ने भी दिखाया है। आपके चैनल ने भी लगभग 11 से 12 घर लंदन के अंदर दिखाया है। और मैं एबीपी न्यूज को मानता हूँ कि बहुत बड़ा चैनल है, तो सच्चाई ही दिखाया होगा। अरे हम तो दल हैं, ये दलदल है, दलदल। जवाब दीजिए, हम विश्व के सबसे बड़े दल और ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी दलदल। अशोक तंवर के पक्ष में बोल दे, हुड्डा के आदमी बाहर खड़े हैं, इनको जाने नहीं देंगे। ये अभी हुड्डा के पक्ष में बोल दे, वो ऑटो इंडस्ट्री जहां मुझे लेके जा रहे थे, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। अरे गुंडे खड़े हैं बाहर के, इन्हीं के पार्टी के, मुझे देख के लठ मारेंगे। सब दल है, दलदल है, उसके गुंडे। अरे गुंडे तो हमने देखे, एक चिन्मयानंद थे गृह मंत्री देश के, जो औरतों से क्या करवा रहे हैं, उनके वायरल वीडियो देखिए आप, यूट्यूब पे भरे हुए हैं। गुंडे देखे कुलदीप सेंगर के रूप में, जो महिलाओं का बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार करके उनके परिवारों को मिटा देते हैं, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो गुंडे देखे। देखिए यहाँ आके बरगलाने की और हास्य कविताएं करके, मैं मानता हूँ आप कपिल शर्मा से बेटर एक्टर हो, जैसे आपने मुझे बोला ना, मैं मानता हूँ जैसे इन्होंने मुझे मेरी पार्टी का अध्यक्ष माना तो मुझे अच्छा लगा, मुझे गर्व हुआ। मैं भी इनको आज एक उपाधि देता हूँ कि आप हास्य कविता कपिल शर्मा से बेटर कर सकते हो, क्यों ना शाम को 9 से 9:30 एक प्रोग्राम चालू करा जाए, संबित पात्रा लाइव, संबित पात्रा शो करो, उस पर नौटंकी करो, गाने गाओ, दल दल जो करना वो करो। आप ही के सर्वे में महाराष्ट्र में क्या रहा है, अकेले के दम पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेके आ रही है, ये अगर जनता को आप क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, आप हमारी चिंता छोड़िए, सिर्फ इतना बता दीजिए, हु इज योर कैंडिडेट, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है हरियाणा में, आपका पीएम कैंडिडेट कौन है देश में। अरे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना आगे ना पीछे, ना तीन में ना तेरह में, चिल्ला चिल्ला के यहाँ हल्ला मचा रहे हैं। गौरव देखिए, मैं इनसे भी पूछ सकता था कि भैया 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हुए, तब हु इज योर सीएम कैंडिडेट, पूछा क्यों नहीं। भैया शांति से सुनो ना, ऐसे फिर उत्तेजित हो जाते हो, हु इज योर सीएम कैंडिडेट, जवाब देते नहीं हो। हम भी पूछ सकते थे, हु इज योर सीएम कैंडिडेट इन 2014, नो आंसर। और डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको याद है कि 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? गौरव वल्लभ ने आपको वहीं से शुरू किया था, क्या आपने याद कर लिया है? देखिए गौरव भाई बहुत फेमस भी हुए और अच्छी बात है, बहुत अरसे के बाद, मैं तो कहूँगा दशकों के बाद, कांग्रेस पार्टी में एक अच्छा प्रवक्ता मिला। कांग्रेस को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं तो एक प्रपोजल भी देना चाहूँगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया था कि वैसे भी आजकल कांग्रेस में अध्यक्ष किसको बनाए इसको लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो प्रपोज करता हूं कि गौरव वल्लभ जी को अध्यक्ष बनाया जाए। है नहीं, लोग उनके पास है नहीं, इतने टैलेंटेड गौरव वल्लभ जी, जो जानते हैं कि कितने ट्रिलियंस में कितने जीरो होते हैं, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरो होते हैं, ज्ञानी है, तो इसलिए इनको जरूर अध्यक्ष के लिए कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, मेरी लड़ाई गौरव वल्लभ जी से नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी लड़ाई प्रियंका गांधी जी से है, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। और इसलिए चूंकि प्रियंका गांधी जी ने इस विषय को लेकर ट्वीट किया था, आज मैं डायरेक्टली रूबरू होना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी से और कुछ कहना चाहता हूं। प्रियंका जी, मुझे पूछा गया कि जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, मुझे पूछा गया कि बिलियन मिलियन में कितने कितने जीरो होता है बताइए, मैंने इसको उचित नहीं सोचा उत्तर देने। मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सोचिएगा उचित है या नहीं उचित है उत्तर देना। मैं जीडीपी और मिलियन बिलियन के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि आपके परिवार ने कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन बनाए हैं हिंदुस्तान से, आप उत्तर दे सकती हैं?
आपके पति देव, आपके पति देव मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा, मिस्टर रॉबर्ट मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा ने, डज ही नो हाउ मेनी जीरोज, ऑफ कोर्स ही नोज, वो सब जीरो के बारे में जानते हैं, क्योंकि कितने करोड़ों खरबों रुपए इस रॉबर्ट वाड्रा ने देश का लूटा है। देखे नहीं होंगे समाचार, क्योंकि आप आ रहे होंगे हरियाणा, ट्रंप बोल रहा है खुल्लम खुल्ला कि मैं मीडिएटर करूंगा, मीडिएशन करूंगा, और कश्मीर के अंदर लोगों की दुर्गति हो रही है, उसका नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं, आप उसका भी जवाब दे। देखिए मोदी जी हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए गए, मेरा तो सीना चौड़ा हो गया, 56 इंच का हो गया, जब हाथ पकड़ के ट्रंप का उनके देश में मोदी जी कह रहे थे नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर ट्रंप, ये पहली बार हुआ है कि हमारा प्रधानमंत्री जाके अमेरिका के प्राइम प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आप याद करिए जब बिल क्लिंटन इंडिया आए थे और बिल क्लिंटन पार्लियामेंट में भाषण रखने गए थे फोटो खिंचवाने के लिए और हाथ मिलाने के लिए बिल क्लिंटन से, हमारे मंत्री और हमारे पार्लियामेंटेरियन नीचे गिर जा रहे थे, 2-3 गिर गए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि बिल क्लिंटन उनसे हाथ तक मिलाने अलाउ नहीं किया। वो जमाना था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच नहीं पाते थे यूएस के प्रेसिडेंट तक, ये सुप्रीमेसी थी यूएस की, और आज हमारा प्राइम मिनिस्टर हाथ पकड़ के कह रहा है दिस इज योर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप। अब आप बताइए कि कौन जीता और कौन हारा, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।